जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर अचानक से चेहरे का रंग एकदम काला होने लगे या डार्क होने लगे, चेहरे की चमक एकदम फीकी पड़ जाए या ख़त्म हो जाए, चेहरे में कोई भी कांत ना रह जाए और चेहरा बिल्कुल आकर्षक ना लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें और ऐसा क्यों होता है, कैसे ठीक करें। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि इनका कारण क्या होता है, ये कैसे ठीक कर सकते हैं, इनके लिए हम क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, और जो मैं इसमें उपाय बताऊंगी लेडीज़ और जेंट्स दोनों पर बराबर काम करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, क्योंकि जब आप पूरी किसी भी चीज़ को पूरी जानकारी लेते हैं तो आपको पूरा फ़ायदा मिलता है, और जब हम आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसान अपना ही करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रंग बहुत साफ होता है लेकिन अचानक से हमें महसूस होने लगता है कि रंग एकदम से सांवला होने लगा है या काला होने लगा है, या हम गेहूं रंग के होते हैं लेकिन फिर भी हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो होती है, चमक होती है और हमारा चेहरा काफ़ी आकर्षक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से हमारे चेहरे का आकर्षण कम होने लगता है, हमारा चेहरा अचानक से फीका सा महसूस होता है, चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है या चेहरा एकदम से काला सा हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में से सबसे मेन और पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह में आपको बार बार जाना पड़ता है अपने काम के पर्पज़ से या किसी दूसरे मकसद से, कहीं ऐसी जगह पर आपको जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह हो, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है और उस पॉल्यूशन धुआं के कारण वहाँ का जो आसपास का माहौल होता है, वेदर होता है, वो भी पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन एकदम से डल होनी शुरू हो जाती है, स्किन में कालापन आने लगता है। इसके अलावा हो सकता है कहीं आप ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर पॉल्यूशन एरिया रहता हो, यानी कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती रहती हो और आपको लंबे समय तक वहाँ पर रुकना पड़ता हो, और उसके बाद में अपने फेस की या अपनी स्किन की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा समय आप नहीं निकाल पा रहे हैं, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि हार्मोन्स में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हों, या लंबे समय से आप किसी बीमारी की वजह से या किसी परेशानी की वजह से कोई दवाइयाँ खा रहे हों, उनकी वजह से भी ऐसी परेशानियाँ आती हैं। तो इन सभी परेशानियों से निजात पाने का मैं बिल्कुल बराबर तरीका बता रही हूँ, जो मैं तरीका यहाँ पर बताऊँगी ये इन सभी समस्याओं से आपको निकालेगा। इसके लिए आप सबसे मेन चीज़ तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास में अपने फेस की क्लीनिंग करने का यानी साफ़ सफाई करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि जो वर्किंग वूमेंस हैं या वर्किंग आप लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आप डेली अपना रूटीन बना लीजिए कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले केवल सादे पानी से, यानी कि जो नल से पानी निकलता है, उससे खूब छींटे मार के अपने फेस को धो लीजिए, और साथ में आँखों में भी छींटे मार के अपनी आँखें भी धोइए ताकि आँखें भी ठंडी रहें। उसके बाद में फेस को पोंछ लीजिए और आधा नींबू निचोड़िए अपनी हथेली के ऊपर, बस इस तरीके से मलिए अपने पूरे फेस से गर्दन तक, या हाथों में भी अगर आप चाहें तो लगा लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना आप चाय पी रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, 10-15 या 20 मिनट का जो भी समय निकलता है वो नींबू का रस आप लगा रहने दीजिए, नहाते समय आपका ये नींबू का रस धुल जाएगा। उसके अलावा हफ्ते में दो दिन मसूर दाल का फेस पैक लगाइए। अब मसूर दाल का फेस पैक कैसे बनाना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं मसूर दाल का फेस पैक बनाना आपको सिखा चुकी हूँ, मेरी जो प्लेलिस्ट है घरेलू फेस पैक वो उसमें आपको मसूर दाल का फेस पैक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हफ्ते में दो दिन तो ये आप कर लीजिए, या अगर आपको मसूर दाल सूट नहीं करती, वैसे हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं किसी को ना सूट करे, या अगर आप इसका टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप बेसन का फेस पैक ज़रूर लगाइए। बेसन का मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हालाँकि घरेलू फेस पैक मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे फेस पैक हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आधा चम्मच बेसन ले लीजिए या एक चम्मच बेसन ले लीजिए अगर आपको गर्दन तक लगाना है, एक चम्मच भर के बेसन लीजिए और उसमें ज़रूरत के हिसाब से कच्चा दूध और गुलाब जल बराबर बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए और इसको एक पतली चटनी जैसा पेस्ट बना लीजिए,
और अपने पूरे साफ चेहरे के ऊपर और गर्दन तक लगा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाथों की स्किन भी आपकी ख़राब हो रही है तो आप ये फेस पैक अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। और इस लेप में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी या नींबू का रस भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसमें हल्दी मत मिलाइएगा। और इसको लगाने के बाद में आप 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर पानी से गीला करिए और धीरे धीरे मल के धीरे धीरे रगड़ के इस उपटन को उतार दीजिए, यानी कि ये जो उपटन का भी काम करेगा फेस पैक। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके चेहरे की रंगत एकदम खिलने लगी है, साफ होने लगा है चेहरा आपका। उसके अलावा आप कोशिश करिए कि डेली कच्चे दूध से अपने फेस को ज़रूर साफ़ कर लीजिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालना है, बस आप रुई का फहाल ले लीजिए, इतनी सी रुई ले लीजिए, उसको आप कच्चे दूध में डुबो लीजिए और अपने पूरे फेस को पहले उसी कच्चे दूध से गीला कर लीजिए और 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद में उसी फहाल से धीरे धीरे मल के अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे रुई का फहाल एकदम काला हो जाएगा, यानी कि अंदर से जो आपकी स्किन में जमी हुई गंदगी है उसको वो खींच कर बाहर कर देगा। आप चाहें तो इसको 2-3 बार दोहरा भी सकती हैं अगर आपके पास में टाइम हो। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने फेस को हमेशा तरोताज़ा और बहुत ही खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वास्तव में अगर वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बिना पैसे के सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।